हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन के आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि और ऐसे मॉलिक्यूल जिनका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास में सेंट्रल एटम मोर देन 1% हो। देखिएगा, कुछ एग्जांपल और करवा देता हूँ। देखिएगा, मान लो ये लिखा हुआ है NO2+, इसके लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है। ये आपको याद है, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट किया जाता है सेंट्रल एटम का। एक ही सेंट्रल एटम हो तो फॉर्मूला आपको सिखाया था N=V+M-C+A/2। इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। V होता है वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू ग्रुप नंबर के इक्वल होती है। नाइट्रोजन का क्या होता है? 5। मोनोवेलेंट, M होता है मोनोवेलेंट एटम, है क्या? ऑक्सीजन तो बाइवेलेंट होता है। केटायन को माइनस कर देते हैं, डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया? 4/2, कितना हो गया? 2। और 2 में क्या हो गया? sp, ये हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे देखो, और सिखा देते हैं आपको। जैसे नाइट्रेट आयन है NO3-, ये मान लिया, तो आप कैलकुलेट करोगे तो N=, क्या लिखोगे? V+M-C+A/2। बेटा, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं इनको, कुछ और एक्स्ट्रा करवा रहे हैं। तो यहां पे देखो, वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर के इक्वल 5, मोनोवेलेंट एटम है नहीं, केटाइन है नहीं, क्या है? N9 को क्या कर देते हो? एड, डिवाइड बाई 2, तो 6/2 कितना होगा? 3। और 3 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2। क्लियर हुआ? और एग्जांपल देखिएगा, और एग्जांपल बता रहे हैं। जैसे मान लो ये दे रखा आपको फॉस्फेट आयन PO4-3-, कीजिएगा अपने से वही है फॉर्मूला। क्या होता है? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू होता है V+M-C+A/2। वी वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, फॉस्फोरस है, वो किस में आता है? नाइट्रोजन फैमिली के अंदर ही आता है, तो इसके वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। मोनोवेलेंट एटम नहीं है, N9 को क्या कर देते हो आप? ऐड कर देते हो, प्लस करते हो ना, डिवाइड बाई 2, 8/2 कितना हो गया? 4। और 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। और ज्योमेट्री तो आपको याद है, sp3 में क्या होती है? टेट्राहेड्रल। sp में क्या होगी? लीनियर। और यहां पे क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। साथ में आपको लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना भी सिखा चुके हैं। देखो, यहां पर हाइब्रिड ऑर्बिटल है 4, लेटरल एटम भी कितने? 4। इट मींस लोन पेयर कितना हो गया? 0। ठीक है, और कीजिए Cl4-, इसमें कैलकुलेट कीजिए Cl4-। सेंट्रल एटम कौन सा होगा आपका? क्लोरीन। कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट करेंगे तो हम जानने क्या होगा फॉर्मूला, N=, हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू होता V+M-C+A/2। वी वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर के इक्वल होता है। क्लोरीन हेलोजन है, हेलोजन फैमिली में कितना होगा? 7। मोनोवेलेंट एटम है नहीं, N9 को ऐड कर देते हो, डिवाइड बाई 2, 8/2 कितना होगा? 4। और 4 के लिए क्या होता है? sp3। और sp3 में ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। ये होगी टेट्राहेड्रल, ठीक है। Cl4- में कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। और करते हैं, कर लिया इसको, और करवा देते हैं। जैसे Cl4- को करवाए वैसे ही बेटा इसका कर लो। देखो, मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूं, आप करो। Cl3- CH3+ CH3- और नाइट्राइट आयन NO2-, I3+ I3-, इनका और कर लो। फिर कुछ अलग टाइप के हाइब्रिडाइजेशन उनको सीखेंगे। एक ही सेंट्रल एटम है, तो एक ही सेंट्रल एटम होता है, उस कंडीशन में अपन फॉर्मूला लगाते हैं N=, V+M-C+A/2। इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, कीजिए इनको। तो बेटा, यहां पे आपने देखा क्लोरीन वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर के इक्वल, कितना होगा इसका ग्रुप नंबर? 7। मोनोवेलेंट एटम है नहीं, N9 को ऐड कर देते हैं, डिवाइड बाई 2, 8/2, 4। और 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। ज्योमेट्री कैसी होगी?
टेट्राहेड्रल, ठीक है। यहां पर देखो कार्बन ग्रुप नंबर कितना हो गया, 4, मोनोवलेंट हाइड्रोजन 3, केटाइन केटाइन को क्या कर देते हो माइनस, डिवाइड बाई 2, 7 माइनस 1 कितना होगा 6/2, 3 और 3 के लिए क्या होगा sp2, और sp2 में क्या होगा ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। CH3 माइनस में देखिएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल कैलकुलेट करने फॉर्मूला v प्लस m माइनस c प्लस a/2, v वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन कितना है, कार्बन के कितने हो गए 4, मोनोवलेंट एटम है 3, n9 को क्या करते हो आप एड प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 8/2 कितना होगा 4, और 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, ज्योमेट्री कैसी होगी टेट्राहेड्रल, ये ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। NO2 नेगेटिव, I3 प्लस I3 माइनस, इसका ही बताइएगा नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, नाइट्रोजन वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर के इक्वल होते हैं कितना है 5, मोनोवलेंट एटम नहीं है, N9 को ऐड करते हो 1 डिवाइड बाई 2, 3 और 3 के लिए क्या होता है sp2, sp2 में क्या होगा ट्राइगोनल प्लेनर, इसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर। I3 प्लस और I3 माइनस का भी करवाते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, मिटा दें। चलिए हमें नेक्स्ट देखना I3 प्लस एंड I3 माइनस, I3 प्लस एंड I3 माइनस, पहले I3 प्लस देखो, टोटल एटम है 3, जिसमें एक आयोडीन तो सेंट्रल एटम और दो आयोडीन क्या हो जाएंगे लेटरल एटम, ठीक है। फॉर्मूला होता है n=v + m - c + a/2, वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर के इक्वल, फिर बोल रहे आयोडीन 3 है, इसमें एक सेंट्रल एटम होगा दो लेटरल एटम, आयोडीन का कितना होता है 7, चार्ज है केटाइन, केटाइन को क्या कर देते हो माइनस डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया 6/2, 3, और 3 के लिए क्या होता है sp2, और sp2 में ज्योमेट्री क्या होगी ट्राइगोनल प्लेनर। सॉरी गलत कर दिया ना, वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन 7, बेटा 3 आयोडीन है, एक तो सेंट्रल एटम और दो क्या हो गए लेटरल एटम, और आयोडीन तो मोनोवेलेंट होता है, केटाइन को क्या करते हो माइनस डिवाइड बाई 2, सॉरी ये गलती से लिखा गया, देखिएगा कितना होगा 9 - 1 8/2, 4, और 4 के लिए क्या होगा sp3, sp3 में ज्योमेट्री की बात करें तो क्या होती है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ऐसे देखिए I3 माइनस, नेक्स्ट एग्जांपल, तो फॉर्मूला होता है n=v + m - c + a/2, एक तो यहां पर सेंट्रल एटम हो गया, दो यहां पर लेटरल एटम हो गए, एक आयोडीन सेंट्रल एटम ग्रुप नंबर कितना होगा 7, दो लेटरल एटम है तो आयोडीन हेलोजन मोनोवेलेंट होता है 2, n9 को ऐड कर देते हैं डिवाइड बाई 2, 10/2 कितना हो गया 5, और 5 के लिए क्या होता है sp3d, और sp3d में ज्योमेट्री कैसी होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल TBP, ठीक है, नोट कीजिए। अब मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ये आ गया NO2, इसमें कैलकुलेट करना, अब देखिए आप फंसेंगे, और ये कंसेप्ट सिखाने के लिए आज मैंने इसको बताया। NO2 कीजिएगा, अपने से ट्राई करेंगे सब बच्चे, कीजिए इस पर, देखो फॉर्मूला आप जानते हो n=v + m - c + a/2, ये फॉर्मूला होता है, और कैलकुलेट करो क्या हुआ नहीं हुआ। देखो n=v + m - c + a/2, ये v होता वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, ठीक है,
वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन अब हम देख रहे हैं कितना होगा नाइट्रोजन का 5। मोनोवेलेंट एटम है नहीं, ऑक्सीजन तो बाइवेलेंट होता है, केटाइन और एनाइन है नहीं, डिवाइड बाई 2 नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये तो फ्रैक्शनल आ गया। अब क्या करोगे, फ्रैक्शनल आ गया उस कंडीशन में क्या बताओगे, क्या हाइब्रिडाइजेशन बताओगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल तो 2.5 होते नहीं, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे हम, जब भी ऐसी कंडीशन हो जहां पर भी नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके पास में इस टाइप के आए, नोट लगा के बता रहा हूं, जब भी नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल n इज ऑप्टन फ्रैक्शनल वैल्यू, जब n ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यू मिल रही हो तो दिस काइंड स्पीसीज आर नोन एज ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो ऐसी स्पीसीज होती है ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती है, ठीक है। और उस केस के अंदर हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बताना है, ये डिपेंड करेगा लेटरल एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। फिर से बता रहा हूं, जहां पर भी वैल्यू ऐसे फ्रैक्शनल आ जाए वहां पर ऐसी स्पीसीज होती हैं, उनको मैंने क्या बताया आपको, ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। और वहां पर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल एग्जैक्ट वैल्यू होगी, इंटीजर वैल्यू होगी, या तो 2 होगा या 3 होगा, ये डिपेंड करेगा लेटरल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। कैसे करेगा उसको ही पढ़ना है, तो पहले तो मैं ये लिख देता हूं, इफ वैल्यू ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, दिखाई दे रहा नहीं यहां तक, कैमरे में चेक कर लेते हैं, ठीक है। इफ वैल्यू ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इफ वैल्यू ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑप्टेन फ्रैक्शनल वैल्यू, आर ऑप्टेन फ्रैक्शनल वैल्यू, देन दीज स्पीसीज आर कॉल्ड ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो ऐसी स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे, ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। और यहां पे हम देख रहे हैं नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ लेटरल एटम, ठीक है। और इस कंडीशन में क्या होगा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ लेटरल एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ईएन ऑफ लेटरल एटम, ठीक है। लेटरल एटम इसकी ईएन पे डिपेंड करेगा, कैसे, अगर लेटरल एटम है उसकी ईएन सेंट्रल एटम से ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ लेटरल एटम इज मोर देन सेंट्रल एटम, तो इस कंडीशन में देखो क्या होगा। जैसे यहां पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की। देखिए इसको मैं पूरा बना के बता रहा हूं, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर होता है 7, 1s2, 2s2, 2p3, एस में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, पी में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, ठीक है। दो ऑक्सीजन जुड़े, देखो कैसे जुड़ते हैं, एक तो ये क्या करेगा इस ऑक्सीजन के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है, और ये दो है एक ऑक्सीजन है वो इसके साथ में कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है, इसे एक इलेक्ट्रॉन ये रह जाता है, इसको बोल देते हैं ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ये इलेक्ट्रॉन है। और बेटा ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, अब ध्यान से सुन लेना, ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वाले ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी इनकी कंपैरिजन में हाई होती है। फिर बोल रहे ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जहां पर भी आ जाए, जहां पर भी ऐसी वैल्यू आ जाए, वहां पर जो अकेला इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस ऑर्बिटल की एनर्जी होती है वो कंपैरेटिव हाई होती है, और ये हाई वाला पार्टिसिपेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, ये डिपेंड करता है लेटरल एटम की ईएन पे। अब यहां पर लेटरल एटम की ईएन ज्यादा है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे ऐसे, तो यहां पर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, ये प्लस चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा इस ऑर्बिटल को अपनी तरफ खींच लेगा, तो इसकी एनर्जी कम हो गई,
यानी ऑर्बिटल में कॉन्ट्रेक्शन हो गया, तो लेटरल एटम में इसकी एनर्जी ज्यादा होती है तो वहां पर ऑर्बिटल कॉन्ट्रेक्शन होता है, वहां पर ऑर्बिटल कॉन्ट्रेक्शन होता है, और ऑर्बिटल में कॉन्ट्रेक्शन हो गया तो ये वाला ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर जाएगा। ठीक है, तो ईएन ऑफ लेटरल एटम इज मोर देन सेंट्रल एटम, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ लेटरल एटम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप ऑन सेंट्रल एटम, मैं लिख देता हूं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड ऑन सेंट्रल एटम, दैट्स वाई ऑर्बिटल कॉन्ट्रेक्शन टेक प्लेस। एंड नेक्स्ट इंटेजर वैल्यू आर कंसिडर्ड, नेक्स्ट इंटेजर वैल्यू इज कंसिडर्ड इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और इस कंडीशन में क्या होगा, ऑर्बिटल कॉन्ट्रेक्शन होगा तो आगे वाला ये वाला ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर ले, इसका मतलब 2.5 नहीं है, अभी इसको क्या मानोगे 3, तो इस कंडीशन में क्या होगा, नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू इज कंसिडर्ड, तो इस कंडीशन में नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू है ये कंसिडर्ड होती है। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे बेटा लेटरल एटम इसकी एन ज्यादा है तो नेक्स्ट ऑर्बिटल कॉन्ट्रेक्शन होगा, फिर से बोल रहे यहां पर सेंट्रल एटम है वह उसका आपने हाइब्रिड ऑर्बिटल कैलकुलेट किया और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल है आपके बाद में आया फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल तो होता ही नहीं है, तो उस कंडीशन में हम देखेंगे लेटरल एटम मोर ई एन वाला है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा जिससे ऑर्बिटल कॉन्ट्रेक्शन होगा, और नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में शामिल करेंगे, कितना होगा 3, और 3 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp2। क्लियर हो गए, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती तब क्या करते, अभी बताने सेकंड, फिर एग्जांपल भी कर देता हूं, मैं एक पॉइंट और लिख देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उतार लीजिएगा इनको, लिख लीजिए फिर मैं करवाता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, आपसे ये भी पूछा जाता है कि कौन सी ऑड इलेक्ट्रॉनिक है कौन सी ऑड इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ऐसे पूछा जाता है सिलेक्ट द ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कैलकुलेट करके भी कर सकते हो। फिर आपसे ये पूछा जाए कि ऑर्बिटल कॉन्ट्रेक्शन होगा या नहीं होगा, इट्स डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ लेटरल एटम, अगर लेटरल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तब तो ऑर्बिटल कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगा। इधर वाला मिटा देता हूँ, उसको लिखा रहने देता हूँ, देखो सेकंड पॉइंट, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ लेटरल एटम इज लेस देन सेंट्रल एटम, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ लेटरल एटम इज लेस देन सेंट्रल एटम, then orbital contraction does not take place and previous integer value, previous integer value is considered, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में कौन सी वैल्यू कंसीडर करोगे, जो पहली वाली है प्रीवियस वैल्यू है उसको हम मान लेंगे। देखो जैसे मैंने यहां पे लिखा CF3, जैसे मैंने लिखा CS3 लिख देता हूं, सिर्फ ये लिखा होगा CS3, कोई चार्ज वार्ज कुछ नहीं, CS3 लिखा है, यहां पर हमें कैलकुलेट करना है इसका हाइब्रिडाइजेशन, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल कैलकुलेट करना है, तो बेटा देखेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है, v प्लस एम माइनस सी प्लस ए बाई टू, वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर के इक्वल होते हैं, कितना हो गया 4, मोनोवेलेंट एटम 3 डिवाइड बाई 2 7 बाई 2 क्या होगा 3.5,
फ्रैक्शनल वैल्यू आ गया, इट मींस इट इज और इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब यहां पे ये देखना ऑर्बिटल कॉन्ट्रेक्शन होगा या नहीं, तो क्या देखेंगे लेटरल एटम। हाइड्रोजन की ईएन 2.1 होती है, कार्बन की 2.5 होती है, लेटरल एटम है उसकी ईएन कम है, इसका मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को तो खींचेगा ही नहीं, ठीक है। सेंट्रल एटम है वही खींच लेगा, तो उस पर नेगेटिव चार्ज है, ऐसे देखो ये और इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ही खींचेगा तो उस पर पार्शियल नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव तो रिपेल करेंगे, तो ऑर्बिटल कॉन्ट्रेक्शन थोड़ी होगा, उसकी तो एनर्जी और बढ़ा देगा, तो यहां पर ऑर्बिटल कॉन्ट्रेक्शन डज नॉट टेक प्लेस। इट मींस प्रीवियस वैल्यू इसको कंसीडर करोगे 3, और 3 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp2। क्लियर हुआ? तो बेटा एक ही सेंट्रल एटम है, उसके केस में हम कुछ डिस्कशन किया है इसके बारे में। देखो क्या डिस्कशन किया, मैंने आपको यह बताया अगर सेंट्रल एटम एक हो और उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल आपने कैलकुलेट किए, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके पास में फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है, तब या तो पहली वाली वैल्यू मानोगे या फिर नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू है ये कंसीडर करोगे। नेक्स्ट इंटीजर कब कंसीडर करोगे, जब लेटरल एटम में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, उस कंडीशन में लेटरल एटम में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑर्बिटल में कॉन्ट्रेक्शन होगा, ठीक है, तो नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू आएगी। और अगर वहां पर लेटरल एटम उसकी ईएन कम है तो यहां पर पार्शियल नेगेटिव आएगा, रिपल्सन होगा, और रिपल्सन के केस में प्रीवियस इंटीजर वैल्यू है वो कंसिडर होगी, ठीक है, एनी कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा। नोट कर लीजिए, और एग्जाम्पल करवा देता हूं मैं इसको, इसमें बताओ ClO2 एंड CF3 कैलकुलेट करो, ClO2 में हाइब्रिडाइजेशन बताओ इसका, ये तो बेटा लिख लिया होगा आपने, मिटा देते, चलिए बताइए। तो यहां पे कैलकुलेट किया आपने, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल n इक्वल टू फॉर्मूला लगाए v प्लस m माइनस c प्लस a बाई 2, वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर के इक्वल कितना होगा 7। ऑक्सीजन बाइवेलेंट होता है इसको कंसीडर नहीं करेंगे, केटाइन है नहीं, n9 नहीं है, डिवाइड बाई 2 3.5। लेटरल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ लेटरल एटम इज ग्रेटर देन सेंट्रल एटम, ये ना ऑक्सीजन की क्या होती है, फ्लोरीन के बाद में ऑक्सीजन की आती है, फ्लोरीन की मैक्सिमम 4 होती है, ऑक्सीजन की 3.5, क्लोरीन की 3, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ऑर्बिटल कॉन्ट्रेक्शन होगा, और ऑर्बिटल कॉन्ट्रेक्शन होगा तो नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू मानोगे तो 3.5 की जगह नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे 4, 4 में क्या होता है sp3, ज्योमेट्री कैसी होगी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, ठीक है। इसका बताओ cf3 कीजिएगा अपने से, cf3 में बताइएगा क्या आएगा, किया नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मूला जानते हैं, वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए बाई 2, वी वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ग्रुप नंबर कितना होगा 4, फ्लोरीन मोनोवेलेंट है 3 डिवाइड बाई 2 वही होगा 3.5, और लेटरल एटम है ये तो मैक्सिमम ईएन वाला है तो ऑर्बिटल कॉन्ट्रेक्शन होगा, नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू कंसिडर होगी कितनी होगी 4, क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, ठीक है, लिख लिया, चलो मिटा देता हूं मैं, एक का बॉन्डिंग का एक ऑर्डर बता रहा हूं मैं आपको, देखिएगा देखो आपके पास में है NO2+, एक आपके पास में NO2, एक है NO2 नेगेटिव, हाइब्रिडाइजेशन बताओ और फिर उसके बॉन्ड एंगल बताने, इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछा गया है, नोट कर लीजिए इसको, बताइए
तो फॉर्मूला तो हम जानते हैं, n इक्वल टू वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए बाई टू, अब तक तो याद हो गया होगा। वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर के इक्वल कितना है, 5, मोनोवैलेंट एटम है नहीं, केटाइन है, उसको माइनस कर दो, डिवाइड बाई टू, 4/2 कितना हो गया 2, और 2 के लिए क्या होगा sp, sp में ज्योमेट्री कैसी होती है, लीनियर। और यहाँ पर बेटा बॉन्ड एंगल होता है ना, बॉन्ड एंगल भी बता रहा हूँ, ये होता है 180 डिग्री। एनओ टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कैलकुलेट करने, 5 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट एटम नहीं, केटाइन नहीं, एनाइन है, डिवाइड बाई 2, तो 2.5 फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई। इट मीन्स दिस स्पीसीज ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। और अब यहाँ पे देखेंगे लेटरल एटम, ऑक्सीजन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, तो आप नेक्स्ट मानोगे कितना होगा 3 में क्या होगा sp2, ट्राइगोनल प्लेनर। और बेटा इसका बॉन्ड एंगल ध्यान में रख लेना, इसका बॉन्ड एंगल होता है 132 डिग्री, ऑलमोस्ट 132 डिग्री होते, 132 डिग्री। एनओ टू माइनस को देखोगे 5 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट है नहीं, एनाइन को ऐड करते, डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 6/2, 3 में क्या होगा sp2, ट्राइगोनल प्लेनर, और यहाँ पे बॉन्ड एंगल होता है ऑलमोस्ट 20 डिग्री। तो एक बार इसमें बॉन्ड एंगल का ऑर्डर पूछा गया था, तो ये वाला ऑर्डर हो गया एनओ टू प्लस एनओ टू एंड एनओ टू माइनस, ठीक है। नोट कीजिए, एक और बताते, नोट कर लिया, लिख लिया, चलो इसको मिटा के मैं एक और करवाता हूं आपको, एक इंपॉर्टेंट है बेटा, एक हाइब्रिडाइजेशन जो अक्सर पूछ लिया जाता है, इसको नोट लगा के लिख लेना, स्टार बना के लिखिएगा। देखो CCl3- ये देख, आपसे हाइब्रिड ऑर्बिटल कैलकुलेट करना, इससे पूछा है कि कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखो आप फॉर्मूला ये लगाते हो वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए बाई टू, वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ग्रुप नंबर, कार्बन का कितना है 4, मोनोवैलेंट एटम 3, एनाइन 1 है, डिवाइड बाई 2 तो कितना हो गया 4, और 4 में क्या हो गया sp3, लेकिन ये नहीं होता, क्यों नहीं होता ऐसा। यहां पर बेटा कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है ना, वो रियल में इस पे रहता ही नहीं है, वो डीलोकलाइज कर देता है वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन। ये कार्बन है, ये देखो ऐसे है ना, ये नेगेटिव चार्ज है, ये डीलोकलाइज कर देता है इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में, ये जो इसमें डी ऑर्बिटल है ना उसमें चला जाता है, ऐसे इसमें CLK में चला जाएगा, इस वाले में भी आ सकता है ऐसे, ऐसे इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, या ओवरऑल ऐसे दिखा सकते हो पार्शियल से, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज इन वैकेंट डी ऑर्बिटल, नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड इन वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन एटम, क्लोरीन एटम उसके वैकेंट डी ऑर्बिटल है उसमें पार्टिसिपेट कर जाएगा, तो यहां पर ये होगा ही नहीं, ये आएगा नहीं इसके अंदर, इसके अंदर ये इन्वॉल्व ही नहीं होगा। तो सिर्फ यहां पे कितने बॉन्ड बताओगे आप, 3 बॉन्ड इस कंडीशन में, तो यहां पर ये 3 बॉन्ड होगा, बाकी कोई भी कंसेप्ट मत लगाना इस वाले केस में, तो 3 बॉन्ड है इसके बेसिस पे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पे ही तो होता है, तो 3 है इसके बेसिस पे हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 आएंगे, और हाइब्रिडाइजेशन यहां पे क्या मिलेगा sp2, ध्यान रख लेना इसको। तो ये स्टेटमेंट देखिए, एक बार पूछा गया है कि CCl3 नेगेटिव है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं हो गया, sp2 क्यों है, तो उसका रीजन बताना है, बाकी ऐसे एक्सेप्शनल टाइप का ही मान सकते हो, ऐसा नहीं पूछा जाता कि इसका कैलकुलेट करके बताओ, आपको स्टेटमेंट पूछा जाता है, ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं उसके स्टेटमेंट पूछे जाते हैं कि इसमें ये क्यों नहीं होकर ये वाला क्यों हुआ, तो क्या बताओगे कि नेगेटिव है, ये डीलोकलाइज कर जाता है किसमें, वैकेंट डी ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है। तो ये था बेटा आपका हाइब्रिडाइजेशन, जहां पर सेंट्रल एटम कितना 1, हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ मोर देन 1 सेंट्रल एटम, तो वहां पर ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, वहां पर तो सीधा किसे कैलकुलेट करोगे, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। देखिए
लिखेंगे इफ मोर देन वन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम्स आर प्रेजेंट, एक से ज्यादा सेंट्रल एटम प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए ये यूनिवर्सल फॉर्मूला यही रहेगा, सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर, इसे कैलकुलेट करेंगे। देखो मान लिए दे दिया CH3, तो ये दो सेंट्रल एटम, कार्बन नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने सिग्मा, हाइड्रोजन बेटा हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है, एक ये वाला सिग्मा बॉन्ड है कार्बन कार्बन से जुड़ा, कितना होगा 4, लॉन पेयर है नहीं sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, इसमें भी क्या होगा सिग्मा बॉन्ड कितने, 3 इसका 1 इसका 4, 4 में क्या होता है sp3, ठीक है। फिर देखिए आगे, जैसे ये दे दिया एथीन, दो सिग्मा बॉन्ड यहां पर है, दो हाइड्रोजन, यहां पे डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होता दूसरा पाई, ये सिग्मा तो ये कौन सा होगा पाई, तो 2 और 1 कितना होगा 3, 3 में क्या होता है sp2, इसमें भी कितना मिलेगा 2 and 1 3, 3 में क्या होगा sp2। और एग्जांपल बताते हैं, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी एच, ये लिख देता हूं सी, फिर ट्रिपल बॉन्ड सी एच, प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, इसका बताना है, इसका बताना है, इसका बताओ, सबका बताओ, तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर, हाइड्रोजन कितने 3, सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं, एक ये वाला 4, 4 के लिए क्या होता है sp3, कार्बन पे लॉन पेयर होता नहीं है। यहां पे देखोगे कार्बन के एक तो यहां पे बॉन्ड बना रखा है, एक हाइड्रोजन, 2 डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, 3, और 3 में क्या होता है sp2। यहां पे देखोगे तो एक सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसमें एक सिग्मा ही है, एक हाइड्रोजन एक सिग्मा ही है, तो 1 2 3, 3 में क्या होगा sp2। यहां पे देखोगे एक सिग्मा ही है, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल में एक तो सिग्मा होता है 2 पाई, अपने को तो सिग्मा से मतलब है, तो 1 और 2 2 में क्या होगा sp, यहां पर भी 1 और 2 कितना होगा sp, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल करवा देता हूं आपको, जैसे पाइरिडीन है, नाइट्रोजन इसका बताना आपको, ये दो लिख देता हूं, ये है सॉरी पाइरिडीन बेंजीन रिंग है, इसमें कार्बन की जगह क्या गया नाइट्रोजन, ठीक है। अब यहां पे नाइट्रोजन इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है, सेंट्रल एटम एक से ज्यादा है तो क्या होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो यहां पे बताओ नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो आपके माइंड में ये आएगा सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 और एक क्या हो गया लोन पेयर 4, 4 में क्या होता है sp3, लेकिन ये नहीं बेटा, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, और एरोमेटिक कंपाउंड में यहां पर ये देखोगे ये लॉन पेयर है, इसके अल्टरनेट है, तो ये किस में पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में, यहां पर इस एटम के ऊपर फिक्स ही नहीं रहेगा, तो ये वाला लॉन पेयर है, इस कंडीशन में लॉन पेयर अल्टरनेट पोजीशन पे आने के कारण ये पार्टिसिपेट, लॉन पेयर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, तो यहां पर तो इसको कंसीडर ही नहीं करोगे, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बताओगे 3, और 3 में क्या होता है sp2। ऐसे इसमें देखो यहां पे क्या लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा क्या, नहीं, ये तो डबल बॉन्ड अल्टरनेट आ गए, ठीक है, तो यहां पर ये पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, तो इस कंडीशन में ये कंसीडर होगा सिग्मा बॉन्ड 1 2 और एक ये लोन पेयर, ये तो होता हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू होता सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड कितने 2 और एक लॉन पेयर है, तो कितना होगा 3, और 3 में क्या होता है sp2। क्लियर हो गया, तो जहां पर लॉन पेयर है वो अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर गया
तब तो उसको हाइब्रिड ऑर्बिटल में काउंट नहीं करेंगे, और पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तब काउंट करेंगे। नोट कर लीजिए इसको और करवाते हैं, मिटा दे, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। देखिए आगे, देखो मान लो आपको ही दे दिया पी फोर, एग्जाम्पल बता रहे, ये होता पी फोर, एक लॉन पेयर होता, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, वन टू थ्री, थ्री के केस में क्या होता है, एक लॉन पेयर है फोर एसपी थ्री, तीन तो सिग्मा बॉन्ड हो गई, एक लॉन पेयर एसपी थ्री, इसका भी क्या होगा एसपी थ्री, इसका भी एसपी थ्री, इसका भी एसपी थ्री, ऐसी एस एट देख लेते हैं, क्राउन शेप स्ट्रक्चर होती है सर, प्रत्येक सल्फर पे कितने लॉन पेयर है, टू, ये है ना ऐसा, तो यहां पे देखो क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड दो सिग्मा बॉन्ड और दो लोन पेयर, तो यहां पे भी हाइब्रिड ऑर्बिटल फोर होंगे, फोर के केस में क्या होता है sp3, जैसे p4 o10 बताए, ये स्ट्रक्चर होती है, ये स्ट्रक्चर है, प्रत्येक फॉस्फोर्स का बताओगे तो काउंट क्या करोगे, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, फॉस्फोर्स है पांच बॉन्ड बना रहे, इसका मतलब लोन पेयर तो है नहीं इसके पास में, सिग्मा बॉन्ड देखो वन टू थ्री, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, तो वन टू थ्री फोर, फोर में क्या होता है एसपी थ्री, इसमें भी एसपी थ्री एसपी थ्री एसपी थ्री, क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए बेटा। एक और चीज बता देता हूं आपको कि हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, नेवर बी पाई बॉन्ड, एक्सेप्ट बेंजाइन स्पीसीज, इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिखेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, नेवर बी पाई बॉन्ड, एक्सेप्ट बेंजाइन स्पीसीज, ठीक है, ये होती बेटा बेंजाइन स्पीसीज। यहां पर ये जो बॉन्ड है ना, ये इस वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एसपी एसपी हाइब्रिड जो ऑर्बिटल है इन्होंने बनाया, सॉरी एसपी टू, बेंजीन में क्या होता है हाइड्रोजन तो प्रेजेंट ही होते ना यहां पे, तो वन टू थ्री, थ्री में क्या होता है एसपी टू, तो ये वाला जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है एसपी टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स करता है, ये वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते, लेकिन इस वाले केस में, इस वाले केस में ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, एसपी टू हाइब्रिड कार्बन है ये भी, जिन्होंने किसका फॉर्मेशन कर लिया है पाई बॉन्ड का, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो ये था बेटा आपका हाइब्रिडाइजेशन, इसके बाद में हमें पढ़ना है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, जिसके अंदर हम, जिसके बेसिस पे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल कैलकुलेट किया ना, इसके बेसिस पे तो हमने ज्योमेट्री बताई है, अब उसके बेसिस पे हम सेप भी बताएंगे कि कोई मॉलिक्यूल है वो ज्योमेट्री के साथ साथ में कैसे सेप में प्रेजेंट होता है, इसको नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द वेरी बेस्ट।